आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। अपने काम होंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं जनता कास्ट के लिए अभी दीपू लोग जा रहे हैं काम पे मलिका का, और फिलहाल मैं करूँगी थोड़ा सा घास लेके आई। अब चलती हूँ नीचे। आज का मौसम होगा बड़ा ही मस्त, और 10:30 हो चुकी है। देखो यहाँ पे देखो कैसे रखा मौसम, बड़ा ही मस्त हो रखा है। कहीं धूप कहीं छाँव, और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे इतना ठंडा हो रखा है। मैंने भैंस रखी हुई है अंदर, और सारे ये देखो गाइस हमारे जो खेत हैं सीढ़ीनुमा है। अब मैं जाऊँगी आलू की खाने के लिए। अभी फिलहाल मैं करूँगी आलू लेने जाऊँगी नीचे, क्योंकि मैंने आलू बो रखे थे, हो रखे आलू। फिलहाल हमारे ओम्फू के बच्चे हो चुके हैं, आपको बताऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि ना अभी ओम्फू सो रखा है। अभी फिलहाल मैं ओम्फू को उठा नहीं सकती हूँ, और अभी यहाँ पे आग जलाऊँगी और कपड़े कपड़े धोऊँगी, क्योंकि सारे आए काम पे और इसलिए मैं घर आ चुकी हूँ। और अब मैं लेने जाऊँगी आलू खेत में, और अभी चलेंगे दोस्तों खेत में। चलो आप बना रहे हो वीडियो मेरे साथ, कितने आलू हैं हमारे खेत में, क्योंकि ना टाइम हो चुका है आलू खाने का। और वहाँ पे अगर मैं आलू नहीं निकालूँगी तो चूहे ले जाएंगे, चूहा भगा देंगे। और चलती हूँ थैला लेके, छोटा सा थैला लेके चलती हूँ, ये वाला थैला ठीक है, अगर हो जाएगा तो इतना बहुत है, क्या पता इससे ज़्यादा हो जाए। और चलती हूँ नीचे। तो गाइस आप भी बने रहना मेरे साथ दोस्तों। और यहाँ पे अभी 10:30 हो चुकी है, और हमारे चौक में जो है घाम का नाम और निशान नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ठीक सटा हुआ है तो इसलिए नहीं आती धूप। और चलती हूँ नीचे। ए गाइस गुड इवनिंग, और रात का 7 बजे का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे भी अंधेरा होने लग गया। साथ साथ मैं शाम की चाय बना रही हूँ यहाँ पे, और अभी हमारी भैंस बिक गई है। फिलहाल मैं करूँगी अब सब्जी वगैरह की तैयारी, साथ साथ मैंने बनाया है चिकन, और यहाँ पे टमाटर वगैरह भी होंगे तो टमाटर वगैरह डालूँगी मैं। वैसे हमारे यहाँ लहसुन नहीं रखी है, हमारे यहाँ है ये बार टमाटर वगैरह, और ये भी है मेरे स्ट्रॉबेरी धार के स्ट्रॉबेरी का। और यहाँ पे मुझे बनाना है खाना रात का। अभी फिलहाल पानी क्या बनाऊँगी मैं, अब मिस्टर जी के लिए दाल बनाती हूँ, मैं सोच रही थी दाल बनाऊँ, देखते हैं पता पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा। और गाइस आप लोग कैसे हो, मस्त होंगे, अपने काम होगा तो मुझे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अंदर हो, फिर आपके लिए बना चुका हूँ वीडियो मस्त मस्त करके। आप मुझे सपोर्ट करो, चाय नहीं करो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। वीडियो को तो काटूंगी प्याज और चाय, साथ साथ चाय और अदरक वाली चाय, क्योंकि खांसी वगैरह लगी हुई है थोड़ा लग रहा है मुझको, कि नहाने के कारण मुझे ठंडा लग रहा है, कहीं बुखार वगैरह ना आए, और थोड़ा जीप सा हो रहा शरीर में, क्योंकि एक हफ्ते भी नहीं हुआ इसमें, एक हफ्ता पूरा एक हफ्ता। और अभी फिलहाल चाय चूई पियेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर प्याज काटूँगी सब्जी के लिए, दाल वगैरह भिगा ली मैंने, और देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ अभी, ठीक है। गाइस आप भी वीडियो में देना मस्त मस्त इन्जॉय किया करो मेरी वीडियो को, ठीक है। खाना और यहाँ पे आटा वाटा निकाल देती हूँ, आटे की टंकी है यहाँ, और ये है पराठ, और इसमें निकाल आटा, आटा आप बना लो वीडियो गाइस मेरे साथ। और आप लोग कैसे हो, मस्त होंगे, अपने अपने गाँव मस्त होंगे, देखते हैं वीडियो कितने दिन में बनती है। सर मेरे साथ बनाने के लिए चूल्हे में फिलहाल अभी दाल बनाऊँगी मिस्टर जी के लिए, मिस्टर जी भाई यहाँ पे आटा लगाने के लिए आटा छान लूँ मैं फटाफट 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 छानू, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ और बनानी है और गढ़वाल में, इसलिए फटाफट बना दी, क्योंकि जेठानी लोग बाहर थे मेरी जेठानी जी, और यहाँ पर बनाऊंगी पानी, और पानी और आटा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरा प्यार बना जो भी है आप लोग ठीक होंगे, मस्त सब जगह का मेरे घर के यहाँ पे कद्दू की सब्जी, और इसको करूँगी इसको ऐसे मैस करते हैं। फिलहाल देखते हैं हमारे प्याज मिल गया, हमारा बच्चा है, देखते हैं। और यहाँ पे इसको करेंगे, क्योंकि इसको मैस करना है और इसको बारीक बारीक करना है,
और साथ साथ बनाना भी है। जलाया है मतलब गैस बंद कर रखी मैंने क्योंकि ना और जल जाता है मेरे से। फिलहाल गाइस भी यहाँ पे लगा रखा है दाल रात की है, रात की दाल से काम चलाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे मेरे मिस्टर जी करेंगे छाछ छोलेंगे, तो मैं आपको बताऊँगी कैसे छोड़ते हैं छाछ। और अभी फिलहाल मैंने किचन वगैरह साफ नहीं किया, रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाने के बाद मुझे जाना है घास के लिए, वैसे भैंस तो नहीं है पर रख लेंगे घास अंदर पे तो काम आ जाता है। कभी ना कभी किचन चीज काम आ जाए, घर पे रहता है काम तो आ जाता है। फिलहाल दोस्तों आप भी बने रहो मेरे साथ वीडियो में। और मैंने घर का लगभग सारा काम ही निपटा दिया और ठीक है मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों मैं आ चुकी थी घर और गैस वगैरह की गाड़ी आई है और मैंने खा साथ साथ रोटी वगैरह बनाई, तो रोटियां मैंने खा ली है। रोटियां खा के यहाँ पे मैं सिलेंडर गैस भी लेके आ गई और गैस हम लाते हैं, सिलेंडर लाते हैं हम सर में। और ये मेरा सिलेंडर और सिलेंडर रख दिया मैंने बाहर भी। और यहाँ पे करूँगी किचन की सफाई, देखो कैसे अस्त व्यस्त हो गया था किचन। और साथ साथ यहाँ पर घी की कढ़ाई रखी है, तीन सारी बड़ी कढ़ाई है। साथ ही साथ दो पाँव भी बनाऊँगी, भी करूँगी किचन पूरा साफ ऐसा हो रखा है सारा घास से आने के बाद काफ़ी हो जाता है। गाइस हमारे अम्बों के हो रखे हैं 6 बच्चे और आप लोगों को चाहिए तो आप संपर्क करें। और आज मेरे मिस्टर ने छान भी छोड़ी थी जो मैंने इस तरह में डाल के वीडियो। और यहाँ पे गाइस मैं आप करूँगी घंटा सारा काम होता था किचन किचन साफ कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी ना मेरा किचन इस तरह से हो रखा है। और इतनी बड़ी कढ़ाई मैंने आज मक्खन को वो किया था, गलाया था और किसी ने कह रखा था तो घी दे दिया। और यहाँ पे साथ ही साथ करूँगी, जो दोस्तों हम मेहनत करते हैं तो इसमें क्या है ना घी को बेचना तो है ही मैंने। और कई लोग बोलते हैं ना क्या करते हो बेचते हो खाते हो, तो हम घास भी ले के आ रहे हैं। और कई लोगों की धारणा होती है ना हमें ही देती है अलना फलना फलना। हम जैसे गाइस हम खरीदते हैं घास, बहुत सारा घास खरीदते हैं, 5,000 2,000-3,000 का घास है हमारा खरीदा हुआ। पर इस बार हमारी नहीं सारी दिहाड़ी लगी ना घास काटने में, बहुत ही आफत आई, 6,000-7,000 लगेंगे। और गाइस यहाँ पे मुझे करना है वीडियो एंडिंग करूँगी, साथ ही साथ मुझे जाना है प्रखंड के घास के लिए, क्योंकि मेरा प्रखंड घिर रखा है नीचे। और वीडियो की शुरुआत ही कर दूँगी क्योंकि गाइस मुझे जाना है अब खेत की साइड। और आप भी बने रहना गाइस मेरे साथ वीडियो में, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ममता रोज की तरह आपके लिए बनाती रहूँगी वीडियो। तब तक जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय गाइस, बाय।